एक रियल मुद्दे पे बेस्ड है। बेसिकली हमारे हमारे कल्चर के हिसाब से प्री मैरिटल सेक्स बुरा माना जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि बेसिकली एक लड़का है जो एक लड़की से शादी कर रहा है और वो चाहता है कि वो वर्जिन रहे, बट वो वर्जिन है नहीं। अभी वो असमंजस में कि मैं क्या बोलूँ, मैं बोलूँ आई एम आई वर्जिन, आई नॉट अ वर्जिन, व्हाट डू आई से टू दिस मैन, ऑलरेडी मेरा एक बॉयफ्रेंड है, सेक्स मैंने हज़ार बार किया होगा उसके साथ, नाउ व्हाट डू आई से अबाउट इट, डू आई लाई, डू आई टेल द ट्रूथ, दैट इज़ व्हाट दिस इज बेस्ड ऑन। मुझे नहीं लगता नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए एक एक्चुअली बहुत मिस्चीवियस मजेदार कैरेक्टर है, तो मेरा कुछ ऐसा रिसर्च ऐसा नहीं था, जो मैं हूँ रियल लाइफ में प्रीटी मच ऐसा ही किरदार है। बट मुझे नहीं लगता कि पीपल शुड शाय अवे फ्रॉम दीज टॉक्स यार। एक्चुअली हम एक रिग्रेसिव सोसाइटी बन जाएंगे अगर वी शाय अवे फ्रॉम दीज टॉक्स। हमें बात करनी चाहिए सेक्स के बारे में, वर्जिनिटी के बारे में, व्हाट डू दे इम्प्लाई, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ डू यू हैव प्रॉपर सेक्स, मतलब हाउ डू यू हैव प्रोटेक्टेड सेक्स, ये सारी चीज़ें हम खुले तौर पे बात करनी चाहिए इसके बारे में। एंड कैसा एक्सपीरियंस रहा, मतलब जैसे कि पीएजी भी आपने सामने लाने के बाद फिर से दोबारा साथ में देखने वाले। पिया जी आपने सही बोला, मैं भी उनको पिया जी बुलाता हूँ थोड़ी रिस्पेक्ट देकर के, वो डिज़र्व करती हैं। आई लव वर्किंग विद पिया, आई थिंक हमारी एक ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है और मुझे लगता है इसमें अच्छी तरह कैप्चर हुआ है लाल रंग में भी। बट आई लव वर्किंग विद हर बिकॉज द बेटर एक्टर यू हैव ऑपोजिट यू, आपकी एक्टिंग इतनी बेहतर होती है। ये शॉर्ट फिल्म है, वेब बेस्ड, हमारा मूवीज इसको प्रोड्यूस, मैंने प्रोड्यूस किया इसको, प्रीति अली, दे हैव डन सम लॉट्स ऑफ शॉर्ट फिल्म्स, आपके उनका खुद का चैनल भी है और मुझे लगता है ये फ्यूचर है एक्चुअली, बिकॉज लोग आजकल अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे या आईपैड पे ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करते हैं। थिएटर्स भी चल रहे हैं अच्छी तरह सिनेमा, बट फ्यूचर ये है। जैसे मैंने कहा कि इट्स अ वेरी मिस्चीवियस कैरेक्टर, आज का लड़का है, पेंटर है, थोड़ा रेबेलियस है, थोड़ा सेंसिटिव जैसे आर्टिस्ट होते हैं, और उसको मतलब प्यार करता है वैसा, मतलब पिया से, पिया के किरदार से, और उसकी शादी हो गई। मैं संदीप वर्मा जो है इसके डायरेक्टर, हम काफ़ी पहले से टच में थे, उन्होंने मेरा काम देखा पिज्ज़ा लाल रंग वगैरह, उनको लगा कि मैं सूट करूँगा कैरेक्टर, तो मैंने इसको पढ़ी, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो करते हैं। आई थिंक 30 जून को आ जानी चाहिए, आई बिलीव जैसे आपने कहा टीजर आउट है, तो प्लीज़ चेक आउट द टीजर, बट 30 जून को। सी इसमें क्या हो रहा है, बिकॉज बेसिकली वर्जिनिटी की बात हो रही, तो ऑब्वियसली लाजमी की सेक्स की काफ़ी सीन्स हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि पिया वॉज दी एक्ट्रेस, बिकॉज हम काफ़ी कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ, और लोगों को लगता है कि यार एक्टर्स ऑल्सो लकी, यू नो दे गेट टू बी विद विमेन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सीन निभाने का मौका मिलता है, बट पीपल फॉरगेट दैट देयर इज अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ यू, देयर आर लाइट्स, देयर आर पीपल, और आपको एक सीन करना है जो शायद आपकी खुद की फीलिंग्स नहीं हो, वो भी सकती हूँ, बट आई एम वेरी ग्लैड इट वाज़ नहीं यार, ये डिजिटल है, इसमें सेंसरशिप की कोई वो नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता इसका, विच इज़ वाई दिस इज द फ्यूचर, बिकॉज इसमें कोई सेंसरशिप है नहीं, आप कुछ भी डालो, आप गालियाँ डालो, आप सेक्स के सीन्स डाल दो, न्यूडिटी के बगैर आप सब कुछ डाल सकते हैं। ओके, एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। टू फिल्म्स आई थिंक इस साल भर में आनी चाहिए, एक है गुड़गांव जो जार पिक्चर्स की फिल्म है, उनकी आखिरी फिल्म थी मेरभट्टे सन्नाटा, इट्स डायरेक्टेड बाई शंकर अमन, यू इज नेशनल अवार्ड विनिंग डीपी, और बहुत ही अच्छी फिल्म है, तो आई होप वो आ जाए इस साल में। दूसरी फिल्म है बॉम्बेरिया, विच इज प्रोड्यूस्ड बाई ब्यूटिफुल बे एंटरटेनमेंट, इट्स अ लंडन बेस्ड कंपनी, इट हैज़ मी, राधिका आप्टे, सिद्धांत कपूर, आदिल हुसैन, काफ़ी अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं उसमें। थैंक यू सर, थैंक यू।
यार फिल्म अगर मैं बोलूँ शॉर्ट फिल्म जो हमने बनाई है द वर्जिन्स इज मेनली अबाउट कैसे हमारे सोसाइटी में वर्जिनिटी एज अ कॉन्सेप्ट को कैसे लेते हैं यार, उसके साथ क्या क्या लेयर्स जुड़ी हुई हैं, किस तरीके से हमारी कंडीशनिंग होती है कहीं ना कहीं हर लड़के या हर फैमिली को एक तरीके से ये होता है कि अगर लड़की जिससे आप शादी कर रहे हैं या बहू जो घर में आएंगे वो वर्जिन होनी चाहिए तभी यू नो शी द पवित्रवान और यू नो उसमें तभी सारे गुण होंगे। सो कैसे ये चीज एक इंडिविजुअल के माइंड को अफेक्ट करती है, वर्जिनिटी किस किस तरीके से सोसाइटी में प्रिवेल करती है उसके तीन काफी डिफरेंट आपको मोड्स देखने को मिलेंगे फिल्म में। मेरा जो कैरेक्टर है वो कैसे दिखाया है कि यू नो ही इज अ वर्जिन एंड ही इज अ वर्जिन बाय चॉइस बिकॉज ही जेन्युइनली टेक्स प्राइड इन इट कि यू नो मैं वर्जिन हूँ तो यू नो फॉर माई गर्ल आई एम डूइंग दिस कॉम्प्रोमाइज और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है किसी लड़की के लिए। तो कैसे सोसाइटी के जो बनाए गए इतने धकियालूसी जो ये चीजें हैं ये इस तरीके से हमको अफेक्ट कर चुकी है हमारे दिमाग को कि अब हम वी टेक प्राइड इन देम कि यू नो लड़की वर्जिन होनी चाहिए, मैं वर्जिन हूँ उसकी वजह से। सो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं ना वेरी ह्यूमरस वे आपको देखने को मिली। जैसे ये बहुत बड़ा एक सवाल है हर जनरेशन का, मतलब कि सबको मतलब सब इसी तरीके से जाते हैं एंड तो आपको लगता है कि मैसेज मिलेगा लोगों को कि मैसेज पड़ेगा इससे? यार मैसेज डेफिनेटली कोई भी हर चीज बनाते हैं उसमें कुछ ना कुछ तरीके का मैसेज तो होता ही है, बट हमने कोई मैसेज पर से देने की कोशिश नहीं की है, सिर्फ शायद एक छोटी सी झलकी दिखाई है हमारी सोसाइटी की तीन कैरेक्टर्स को लेकर कि कैसे ये चीज़ प्रिवेल करती है। आई बी ग्रेटफुल, आर टीम वुड बी ग्रेटफुल कि अगर इसमें से कोई भी लोग कुछ भी इस चीज़ को थोड़ा सा समझ के थोड़ा सा ईज आउट हो जाए एंड यू नो यू गेट टू नो कि ये वर्जिनिटी कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जिसको हम द वर्जिन्स हमारी फिल्म भी है जिसके लिए हम कह रहे हैं। तो इट्स नाइस इफ पीपल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट बट अदरवाइज इट्स अ फन फिल्म शॉर्ट फिल्म। एंड आपने ये क्यों कहा इसे मतलब कुछ सी प्रिसाइसली इसीलिए जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो उसमें जो निटी ग्रिटीज होती हैं चीज़ों की, कई बार क्या होता है आप कुछ भी अगर ऐसी चीज़ के बारे में फिल्म बना रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है फिल्म मेकर्स की उस बात को सीधे सीधे कहना। लाइक जैसे अभी मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो जैसे हम हर बात खोल खोल के कर रहे हैं फिल्म में भी वो दो कैरेक्टर्स ऐसे ही करने लगते हैं, लेकिन जब एक चीज़ आप डायरेक्टली बोल के ना करें वो सिचुएशन में इंटरवूवन हो और वो किस तरीके से बाहर आए तो उसका एक अलग मजा आ जाता है। तो इफ़ यू बिलीव इन समथिंग लाइक व्हेन आई वाज इन कॉलेज एक हमने भी जेंडर कंडीशनिंग पे एक प्ले किया था, स्ट्रीट प्ले किया था, तो उसकी कुछ कुछ झलकियाँ दिखी मुझे इसमें एंड इट्स अ गुड कॉन्सेप्ट एंड यू नो नाइसली रिटन हमारा मूवीज वाज प्रोड्यूसिंग सो इट मेड ऑल द मोर सेंस टू डू इट। सबसे बड़ी बात होती है व्हेन यू प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट हु जेन्युइनली बिलीव्स के यू नो के वर्जिनिटी एक वरदान है यू नो, तो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल आपको सबसे पहले कन्विंस करना होता है। आप ये कैरेक्टर नहीं प्ले कर सकते कि अच्छा यू सी द फिल्म एंड यू सी अच्छा दिव्येंदु शर्मा इज ट्राइंग टू प्ले समवन, यू हैव टू जेन्युइनली बिलीव। वो कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आपको सच में मानना होता है आप कुछ भी करें, तो वो कभी कभी मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बिकॉज एज अ पर्सन आपके कुछ अलग पॉइंट ऑफ व्यूज हैं इन लाइफ और स्क्रिप्ट जो देती है आपको बहुत अलग है, तो सो जस्ट टू बी कन्विंसिंग उसमें कितना प्रिपरेशन जाता है आपको वो थोड़ा सा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। हल्की सी प्रॉब्लम थी बट अदरवाइज आर्ट डायरेक्टर संदीप वर्मा ही वॉज देयर ऑल थ्रू आउट सो नथिंग एज सच हो गया। अच्छा या लिक्विड जैसा तो कोई भी नहीं है, वो तो कैरेक्टर जब मैंने किया था वो आई मीन इज द टफेस्ट कैरेक्टर सो फार। मैंने बहुत सारी फिल्में नहीं की हैं लेकिन जितनी भी करी हैं उसमें सबसे ज़्यादा टफ वही था। कोई भी एक इंसान जो आपसे अभी प्यार से बात कर रहा हो अभी आपको गालियाँ देने लगे और फिर आपसे प्यार से बात कर ले इट्स बहुत टफ हो जाता है, स्पेशली ऐसे कैरेक्टर्स को कन्विंसिंग करना बहुत मुश्किल होता है मेरे हिसाब से। तो नहीं नहीं लिक्विड से तो बहुत बहुत अलग है, बहुत आसान है उससे। No, nothing at all. In fact, इसमें तो बहुत ज़्यादा आपको नर्वस एनर्जी दिखेगी। जो मैंने इसका एक मेन जो कोर इन्ग्रीडियंट पकड़ा था इस कैरेक्टर का वो यही था कि इसकी एक नर्वस एनर्जी होनी चाहिए बिकॉज व्हेन यू आर नॉट कंफर्टेबल टॉकिंग अबाउट समथिंग एक नर्वसनेस होती है हमेशा और जिसके वजह से हम कई बार बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी हो जाते हैं। लोग ज़्यादा मुझको लगता है एग्रेसिव इसलिए होते हैं क्योंकि शायद कॉन्शियस होते हैं यू नो वो उस चीज़ को ठंडे तरीके से डील नहीं कर पाते, तो इस कैरेक्टर के कॉन्शियसनेस इसकी इंटीग्रिटीज जो हैं वो कुछ अलग दिखेंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सबसे अच्छी बात यही है किसी भी फिल्म में शॉर्ट फिल्म या फीचर लेंथ फिल्म या कोई भी कैरेक्टर के लिए कि जो उसकी राइटिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और आई थिंक इस शॉर्ट फिल्म में संदीप ने जिस तरीके से फिल्म को लिखा है तो आधे से ज़्यादा काम एक एक्टर का हो जाता है इफ़ द स्क्रिप्ट इज़ नाइसली रिटन।
तो मुझे उस चीज़ में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी. स्क्रिप्ट पढ़ा, वो मोटिवेशंस वहाँ पे थे, बाकी जितना हमने डिस्कशंस किया और बहुत मुश्किल नहीं था. एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ शॉर्ट फिल्म, तो बहुत मज़ा भी आया करने में. बहुत ज़्यादा मेहनत वाला काम नहीं था, बट हाँ डेडिकेशन वाला काम था. एंड थोड़ा फोकस्ड ज़्यादा रहना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में, फीचर लेंथ में आपके पास बहुत सारा टाइम होता है टू से योर थिंग, बट इन अ शॉर्ट फिल्म यू हैव टू से ऑल दैट इन दोज 12-13 मिनट्स. तो वो एक बात थी. बाकी अदर इंटरेस्टिंग यही कॉन्सेप्ट जो है, जिस तरीके से इसको पेश किया जा रहा है, आपको कहीं भी फिल्म में पूरे टाइम कभी ये नहीं लगेगा कि कोई चीज़ थोपी जा रही है ऑडियंस को. यू नो, किसी उनको बताया जा रहा है कि वर्जिनिटी ये है, सोसाइटी में ये होता है, ये वो होता है, ऐसा कुछ नहीं. बहुत एक सब लेयर में है, जिस आदमी को समझ आएगा उसको आएगा, अदरवाइज इट्स अ रियली फनी शॉर्ट फिल्म. अच्छा है ना, वेब पे तो कोई सेंसर ही नहीं है, तो एटलीस्ट सब लोग अपनी बात खुले से कह सकते हैं. इट्स अ वेरी फन स्वीट शॉर्ट फिल्म, कोई टेंशन है इसमें. बताना चाहूंगा लेकिन यहाँ पे नहीं, अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में. यहाँ पे हम सिर्फ द वर्जन्स की बात करेंगे. यार दो फीचर्स हैं जो मैंने अभी कंप्लीट करी हैं, उनकी शूटिंग वगैरह सब हो चुका है, पोस्ट प्रोडक्शन में है, तो होपफुली जल्दी आप कुछ अच्छी न्यूज़ सुनेंगे. मैं भी कुछ अच्छी न्यूज़ सुनूंगा. आई थिंक यार आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द डेट, बट आई थिंक 12th और 13th ऑफ जून. 13th ऑफ जून ना, हाँ 30th ऑफ, हाँ 13th तो निकल चुके. 30th प्लीज गो वॉच दिस फिल्म. कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, अपने मोबाइल पे देख सकते हैं, अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं. इससे ज़्यादा हम आपके लिए आसान नहीं बना सकते. ऑल यू हैव टू जस्ट गो नाउ यूट्यूब पे या जो भी हमारा हैंडल है उस पे जाके फिल्म देखिए. एंड टेल अस, आपको पसंद आई है कि नहीं आई है. पसंद आई है तभी भी, पसंद आई नहीं है तभी भी, हम क्या इम्प्रूव कर सकते थे वो, उस सब के लिए आपका फिल्म को देखना बहुत ज़रूरी है. मेहनत करिए, बड़े प्यार से बनाइए, तो प्लीज़ आपका फ़र्ज है इस फिल्म को देखना. I mean, it's a very interesting topic. बहुत taboo वाला है. This is something सबको पता है इसके बारे में. Everybody knows about it, but nobody talks about it. And curiosity है, because आप जिन चीज़ों के बारे में बात नहीं कर पाते हो openly, you always want to talk about it. तो लोगों को लग रहा है ऐसा क्या बनाया होगा, virgins के ऊपर क्या बनाया होगा. So, I mean, 30 जून को फिल्म रिलीज हो रही है, and I'm looking forward किस तरह का response आता है, because बहुत ही क्यूट शॉर्ट फिल्म बनाई है. We're not trying to, you know, preach in the film. कोई ऐसे general message और ऐसे कहते ना youth को कोई ज्ञान नहीं दे रहे. We just made a cute little short film. So pretty excited about it. And आप किस तरह किरदार निभा रही हैं? मैं किरदार निभा रही हूँ. मेरे character का नाम अनेका है. और कैसे मेरा जो character है is going to get married. और वहाँ पे वो इस virginity की पूरी question में कैसे फंसती है. It's all about that. नहीं नहीं, बहुत ही क्यूट सी फिल्म है, फैमिली जाके देख ले. नाम ही बस ऐसा है, अंदर कुछ भी नहीं है. आई डोंट थिंक दिस इज नॉट समथिंग न्यू. आप जो बोल रहे हो कि लोगों में डिबेट होती है, बहस होती है इस चीज को लेके, इट्स लाइक समथिंग नेवर एंडिंग. एंड you just can't define ke what is wrong and what is good about it. There is nothing wrong and right, it's all in your mind. Some people, they don't even think about it, they don't even talk about it. Aur sab ke liye bahut bada taboo hota hai logon ke. To matlab I remember I was reading newspaper before some days in Times of India. Usme ek jagah pe tha bhi ki wo shaadi ke baad pata chala ki ladki virgin hai, to usse divorce de diya. I mean abhi bhi hoti hai ye cheeze, but there are people, they don't even bother about it. So it's all you gonna decide if this is wrong for you or right for you. So you can make message ki tarah jayegi. It's like if somebody wants to take the message, they can. But we are not trying to give any message. Humne ek short film banayi hai aur entertain karne ke liye banayi hai logon ko. Aur agar isme kisi ko koi message milta hai, so very good, good for them, good for us. And kya kya memories rahi aapki shooting ke dauran, and kaisa experience tha, thoda batayi isme. Bahut hi maza aaya mujhe. Meri short for 3 days in the film. And 2 days in Dhamu and 1 day in Bombay. And Sandeep sir ke saath, this is like first time I worked with him. And he's a very good director. बहुत बहुत easy director है, बहुत space देते हैं काम करने के लिए. अक्षय के साथ मैं लाल रंग में थी, तो एक अलग तरह का bond था मेरा. देवेंदु के साथ पहली बार काम किया है, so it's like बहुत ही you know
फनी सा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छा सा, हंसते खेलते हमने 3 दिन में फिल्म कंप्लीट की। ये सिर्फ मतलब पूरी फिल्म सिर्फ 3 दिन के अंदर ही बनी? या वी शॉट 2 डेज इन धारू एंड 1 डे इन बॉम्बे। एंड और क्या क्या मतलब कुछ एक्सपीरियंस बताइए, और क्या क्या मतलब क्या क्या सीखने को मिला फिल्म के दौरान? ये छोटी सी फिल्म में क्या सीख लोगे यार 3 दिन में? अच्छे लोग मिल गए, उनके साथ काम कर लिया, और बहुत बिना किसी प्रेशर के एंड अच्छी फिल्म बना रही है। हर फिल्म से थोड़ा कुछ सीखते हो। शॉर्ट फिल्म जब आप बनाते हो बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग डिजिटल वे नाउडेज, और जब आप डिजिटल कोई चीज़ बनाते हो आपको लिबर्टी मिलती है, आपको कुछ भी क्रिएट जितनी भी क्रिएटिविटी होती है वो करने का आपको बहुत मौका मिल जाता है। डायरेक्टर को, एक्टर्स को सेंसर के पीछे नहीं भागना पड़ता, और आपको स्क्रीनिंग कितनी मिल रही है कितनी नहीं मिल रही है उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, तो बहुत सारी चीज़ों से आप बच जाते हो। बट स्टिल आई वुड से दैट सिनेमा इज़ अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। फिल्म का जो चार्म होता है वो कोई भी टेक ओवर नहीं कर सकता। सो 30 जून जा रही है। My one more film is going to release in maybe August end of September. It's called Mirza Juliet. So, it's the far. And अगर देखें तो हमेशा मतलब अलग-अलग किरदार में अलग-अलग जोड़े का फिल्म करनी है, जैसे कि शॉर्ट फिल्म में काम कर रहा है, और इसके अलावा और भी आपने लाल रंग में काम किया है। And तो सबसे जो पसंदीदा जोड़े होता है वो किस जोड़े को आप कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं? It's too early to say because I did just one film and then the short film. तो पहले मुझे जॉनर ट्राई तो करने दो, फिर मैं बताऊंगी मुझे ये पसंद आया और ये पसंद नहीं आया। There is no, I mean, no dream role as such. जो अच्छा सा रोल लोग ऑडियंस अप्रिशिएट कर लो, उनको पसंद आ जाए, और फिल्म देखने के बाद जो वो थिएटर से बाहर निकले उनको वो रोल अभी तक याद है, उनको मेरा नाम अभी तक कैरेक्टर का याद है, आई थिंक दैट गोना बी माय ड्रीम रोल। बहुत ही प्यारी, बहुत ही छोटी सी क्यूट सी शॉर्ट फिल्म बनाएंगे, 30 जून को रिलीज हो रही है। आई रियली होप कि अब तो ऑनलाइन है, ऑनलाइन रिलीज हो रही है, तो घर पे बैठ के आप कितने बार भी देख सकते हो, तो प्लीज़ वॉच कर सकते। द वर्जन एक फनी फिल्म है जो कि एक थोड़े सीरियस टॉपिक पे है। मतलब आई थॉट अबाउट इट बिकॉज मैं 1.5-2 साल से देख रहा हूँ कि हमारे देश में यंग मैन एंड वुमेन के वर्जिनिटी स्टेटस के बारे में लोग बड़े इंटरेस्टेड रहते हैं, पूरी दुनिया को इसके बारे में जानकारी की कोई इच्छा होती है, और पेरेंट्स और एल्डर्स चाहते हैं कि सोचते हैं कि हमारे बच्चे वर्जिन हों, और दोस्त वगैरह प्रेशर डालते हैं कि तू अभी भी वर्जिन है। तो आई फाउंड दैट सिचुएशन वेरी रिडिकुलस, तो इसलिए बिकॉज इट्स रिडिकुलस इट बिकेम फनी फॉर मी। तो इसलिए मुझे लगा कि एक शॉर्ट फिल्म इज अ वेरी गुड फॉर्मेट टू टेल अ स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड अ गर्ल हू अबाउट टू गेट मैरिड इन 7 डेज एंड व्हाट हैपेंस विद देयर लाइफ। सो आई एक्सपेक्टेड अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अबाउट दिस टॉपिक इन एनी केस, सो आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड, आई एम वेरी हैप्पी ऑफ कोर्स दैट टीज़र हैज़ गेन्ड सो मच ट्रैक्शन। वी आर डूइंग इट इन अ वेरी एंटरटेनिंग वे, देयर इज अ सॉन्ग इन द फिल्म संग बाय नेहा वसीम एंड स्वानंद तिरकरे एज़ वेल, so 17 minute ki film, so I'm really excited. And kis tarike se aapko idea hai ki ha iske bhi zindagi ke upar bhi hum bana sakte hain film? To actually Vinay Mishra of Vara Movies and I had met on something else, hum log kisi not for a short film or something else baat kar rahe the hum log, to unhone bola yaar tum jaise known directors kyun nahi short film banate hain hamare desh mein, hum aise naye directors sab ke kaam karta hu. Maine bola mujhe aisa koi status problem nahi hai short films ke bare mein, I love the format, internationally to bahut famous format hai, लॉट ऑफ बिग डायरेक्टर्स वर्क इन द शॉर्ट फिल्म। तो बोले कुछ है तो बताओ, तो 2 दिन बाद में पहुँच गया इसके स्क्रिप्ट लेके। जैसे मैंने कहा कि आई वॉन्टेड टू मेक समथिंग विच इज़ वेरी यंग एंड फ्रेश एंड विच कुड बी कंज्यूम्ड। आई हैव नॉट सीन लॉट ऑफ शॉर्ट फिल्म इन दिस इन इंडिया, बट फ्रॉम वॉट आई हैव सीन जनरली मैंने देखा है कि बड़े डार्क थीम्स या सुपर नेचुरल थीम्स बनाई जाती है। आई वॉन्ट टू मेक अ ब्राइट फिल्म विच इज़ अपबीट एंड हैप्पी, सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस टॉपिक। एंड इस तरह जब भी इस तरह की बात कोई चलती है या वर्जिन से वर्जिनिटी पे, तो काफ़ी मतलब चर्चा छिड़ जाती है, काफ़ी बहस में बदल जाती है, तो आपको नहीं लगता कि सर इसके ऊपर कुछ कंट्रोवर्सीज हो सकती है इस नाम को लेके या उस फिल्म में कुछ दिखाए हुए दृश्यों को लेके, या किसकी आजकल कंट्रोवर्सी से कुछ कह नहीं सकते? आजकल काफ़ी चीज़ों में कंट्रोवर्सी हो जाती है, रिसेंटली हमने देखा है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन एटलीस्ट जिस तरह से हमने फिल्म बनाई है आई डोंट थिंक एनीवन शुड हैव अ प्रॉब्लम विद इट।
बट देन यू नो अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में. द फैक्ट इज दैट हमने बड़े क्लीन इंटेंट से फिल्म बनाई है एंड वी हैव नॉट टेकन अ स्टैंड. इट्स नॉट दैट हम बोल रहे हैं कि कोई वर्जन हो या नहीं हो. हम एक सिचुएशन बता रहे हैं, एक लड़का लड़की की शादी हो रही है 7 दिन बाद और उसके उनके बीच में क्या होता है. तो आई डोंट एक्सपेक्ट एनी कॉन्ट्रोवर्सी अराउंड इट, बट इफ एनी वन कैन हैव अ प्रॉब्लम सो आई वी रियली कांट एंटिसिपेट दैट. वी कैन ओनली होप किसी को प्रॉब्लम ना. सारे मेरे फर्स्ट चॉइस हैं. हुआ ये बहुत फास्ट बिकॉज नहीं कहानी लिखते वक्त नहीं मैं, क्योंकि मैंने जैसे बताया मैंने कहानी 2 दिन में लिख दी थी तो उसमें कोई स्कोप नहीं था किसी के बारे में सोचने का. लेकिन एक बार कहानी लिखी तो ये सारे एक्टिया को छोड़ के सारे एक्टर्स जो हैं मतलब अक्षय और देवेंदु हैड बीन इन टच विद मी बिकॉज आफ्टर माई लास्ट फीचर फिल्म दे वॉन्टेड टू वर्क विद मी. तो कभी उनके फ़ोन आते थे. अक्षय दो दो दिन बार मिल के भी गया था उनसे. तो I immediately struck me that I can work with these actors. For these, I called them, checked with them if they are free, and they were really excited. Of course, they came and met me. They read the script and all that. Then they were all the more excited. And Pia came to me because Lal Rang had just released that, and I have frankly not seen Lal Rang, but I had seen the trailer. And the moment I saw Pia in that, I felt that she can really suit the role of Anika in the versions. So then I got in touch with her, and then she came the next day, and we were on. मैसेज ये कोई मैसेज नहीं है. मैसेज ये है कि ये जो इशू है ये नॉन इशू है अगर कोई मैसेज है तो. फ्रैंकली स्पीकिंग जब एक लड़के लड़की की शादी होती है तो और बहुत सी चीज़ें हैं और जिंदगी में बहुत से पापड़ बेलने हैं राधर देन दिस इशू कमिंग इन द डे. एंड सो इतना बड़ा प्रीमियम वर्जिनिटी भी हमारे देश में दिया जाता है मुझे लगता है कि कम्प्लीट नॉन इशू है. दैट्स द ओनली मैसेज. फीचर फिल्म को मतलब एक शॉर्ट फिल्म को फीचर फिल्म से आप कितना अलग मानते हैं? कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर्मेट है. आप जो चीज़ शॉर्ट फिल्म में कर सकते हैं वो फीचर फिल्म में नहीं कर सकते हैं, और जो फीचर फिल्म में करते हैं वो शॉर्ट फिल्म. इनफैक्ट शॉर्ट फिल्म में मुझे लगता है एज अ डायरेक्टर मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है. आई वेरी हैप्पी आई डिड दिस बिकॉज आई गॉट टू वर्क विद अ लॉट ऑफ अदर टैलेंट विच आई कुड नॉट वर्क इन अ फीचर फिल्म बिकॉज वहाँ पर स्टेक्स बहुत हाई हो जाते हैं. देयर आर बिग प्रोड्यूसर बिग मनी इज इन्वॉल्वड इन. सो एक तो वो बात है. दूसरी बात ये जो चीज़ आप कह सकते हैं यू कैन बी मोर एक्सपेरिमेंटल विद अ शॉर्ट फिल्म. तो मुझको तो लगता है कि हर अच्छे डायरेक्टर को एक फीचर फिल्म के बाद एक शॉर्ट फिल्म करनी चाहिए. उसमें आपके जो आपका टैलेंट है वो और थोड़ा शार्प हो जाता है क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स ट्राई किए हैं जो मैं फीचर फिल्म में शायद मैं नहीं करता क्योंकि बड़े पर्दे पर आती है वो चीज़ और ज़्यादा जारी हो सकती है. या जिस तरह से मैंने साउंड किया है इसका, जिस तरह से म्यूज़िक कराया मैंने, तो लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन यू कैन एक्चुअली होन योर ओन टैलेंट इसमें कर सकते हैं. तो आई रियली फील शॉर्ट फिल्म, आई विल डू अ शॉर्ट फिल्म आफ्टर एवरी फीचर. उसके बाद मैं फीचर फिल्म में जाऊँगा, उसके बाद फिर से शॉर्ट फिल्म. जैसे कि बात एक्टर्स ने बताया कि फिल्म 3 दिन के अंदर शूट करेगी, सो कितना चैलेंजिंग रहा ये मतलब आपके लिए फिल्म शूट करना? देखिए जिस तरह से मैं काम करता हूँ तो चैलेंजिंग मुझसे ज़्यादा मेरे आसपास के लोगों के लिए हो जाता है. हमारा मूवीज की टीम के लिए चैलेंजिंग था, मेरे असिस्टेंट्स के लिए चैलेंजिंग था क्योंकि मैं आई विल पुट प्रेशर ऑन पीपल बिकॉज आई डोंट वॉन्ट द फिल्म टू गो बियॉन्ड अ सर्टन नंबर ऑफ डेज बिकॉज इट कैन अननेसेसरली मेक इट अनवायबल फॉर द प्रोड्यूसर. सो बट अगर कम दिन में शूट हो रही है तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. तो मेरी 3-4 दिन की शूटिंग का प्लान हमारा मूवी वाले बताएँ कि कुछ 1 महीने पहले से शुरू हो गया था, रेकीज की हमने, ये किया, तो तैयारी हमारी उतनी थी. मुझे लगता है अगर हम अच्छी प्रिपरेशन करें तो जो चीज़ हम 10 दिन में करेंगे वो 4 दिन में हम कर सकते हैं. सो आई थिंक वंस द शूट स्टार्टेड इट वॉज प्रीटी सीमलेस, बट इट्स जस्ट बिफोर दैट देयर वाज लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द होल टीम टू डिलीवर. कितना हेक्टिक रहा ये पूरा शूट? वेल पहले दिन तो हमने हम लोग बॉम्बे से बाहर, दिस इज नॉट शॉट इन बॉम्बे, दिस इज शॉट इन कोस्टल टाउन इन महाराष्ट्र. तो बॉम्बे से निकले हम लोग 4 बजे सुबह, 9 बजे पहुँचे और फिर मैंने खींचा रात को 1:30-2 बजे तक शूट. तो उस दिन सबकी हालत ख़राब हो गई थी. तो लेकिन दैट वाज द टफेस्ट डे. उसके बाद थोड़ा इजी होता गया कंपेयर टू. एंड फिल्म के अंदर आपने गाने भी रखे हैं तो उसके बारे में? एक गाना है फिल्म, एक गाना जो कि स्वानंद किरकिरे और नेहा भसीन ने गाया है. इंसिडेंटली देयर एवरीवन इज वर्क फॉर फ्री, स्मॉल सिंगर आल्सो. एक 20 साल का कंपोजर है अनुज दनायत, उसका डेब्यू हो रहा है, बहुत फैंटास्टिक टैलेंट है. और रिया मुखर्जी ने लिखा है गाना. तो वो गाना हम उसको वर्जिनिटी सॉन्ग कह रहे हैं या एक कुमार के लिए. नो नो, इट्स अ टाइटल सॉन्ग एंड बट इट्स यूज्ड इन द फिल्म एज वेल एंड इट्स आल्सो कमिंग इन द ट्रेलर. सो इट्स अबाउट द फिल्म, इट्स अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी एंड इट्स वेरी फनी.
30th को हम लोग पहली ऑफिशियल स्क्रीनिंग कर रहे हैं प्रेस मीडिया एंड ट्रेड के लिए, उसके बाद फिल्म अवेलेबल हो जाएगी एंड बाकी ट्रेलर यू प्रॉब्ली सी बैट वॉट। एंड क्या कहना चाहेंगे जाते जाते दर्शकों से? मुझे लगता है कि शॉर्ट फिल्म फॉर्मेट मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है आजकल, आप जिस तरह से कंजम्पशन देखिए शॉर्ट फिल्म को तो इट इज़ ईजियर बिकॉज फीचर फिल्म देखने के लिए लोगों को दो ढाई घंटे के लिए टाइम निकालना पड़ता है, इसमें बड़ा इजीली देख सकते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि इफ़ यू वॉन्ट टू वॉच समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग एंड फनी एंड समथिंग विच यू फील यू विल वॉन्ट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स देन यू शुड वॉच द वर्जन्स आफ्टर 30th। थैंक यू सो मच।